श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदोलेकर महाराज इनका प्रवचन 4 मई। सत्संग में रहे, सदा संतों की संगत करे। परमार्थ के लिए संतों का अधिष्ठान आवश्यक है, उन्हें खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो संतों के पास जाकर भी क्या होगा। उन्हें हम देहावरण में न देखें, संत कोई देहावरण में नहीं होते। वे जो बताते हैं उस साधन में वो होते हैं। जब तक हम अपनी विषय लालसा नहीं छोड़ते तब तक उनसे हमारी भेंट नहीं हो सकती। संत के पास कोई चोर जाए तो उनसे उसकी क्या सच्ची भेंट होगी। वह अगर बन पाया तो चोरी कर सकेगा, किंतु संत से जो मिल सकता है क्या वह उसे मिलेगा। असली बात तो यह है कि अपना अपने पास ही होता है। हम यदि चित्त शुद्ध करके जाए तो हमारी संतों से भेंट होती है, और भेंट होने पर जो त्रैलोक में भी नहीं मिल सकता वे हमें देते हैं। ऐसे संत जो कहे हम वही करें, यही उनकी सच्ची सेवा है। एक आदमी एक संत के यहाँ रोज दर्शन करने आता था। वहाँ और भी बहुत लोग आते थे, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करता था। कोई कुछ पूछते थे तब भी उत्तर नहीं देता था। उसकी मुद्रा सदा उदास और खिन्न रहती थी। किसी को भी नहीं लगता था कि उससे बात करे। इसी तरह कुछ दिन बीते। आगे फिर एक दिन सद्गुरु बोले, अरे वह मेरा पगला कहाँ है, वह आज क्यों नहीं आया। और बस यह उसने सुना ही नहीं कि वह आनंद के मारे उछलने लगा, और फिर जब वहाँ से जो गया तो आया ही नहीं। वह काहे को आता। गुरु एक बार मुझे अपना कहे, यही तो शिष्य को प्राप्त करना होता है और यही उसे समझना जरूरी होता है। वह उस आदमी ने जाना और इसलिए उसका काम हो गया। गुरु तुमसे तुम मेरे हो गए ऐसा कहते हैं, फिर भी तुम वह नहीं समझते। इसलिए कि तुम विषय की इच्छा लेकर आए थे और विषय ही अधिक प्राप्ति हो यह हेतु तुम्हारे मन में होता है, जबकि इससे विपरीत गुरु शिष्य को विषय से निवृत्त करना चाहते हैं। गुरु की इच्छा के अनुसार यदि शिष्य असल में निवृत्त हुआ तो उसे पुनश्च विषय की प्राप्ति का स्मरण नहीं रहता। जैसे प्यास लगने पर पानी अवश्य होता है, लेकिन पानी पेट भर पीने के बाद पुनश्च पीने की इच्छा नहीं होती, अर्थात प्यास से निवृत्ति हो जाती है। आज हमारा इस बात पर विश्वास दृढ़ नहीं होगा, लेकिन विश्वास दृढ़ होने के लिए नामस्मरण करना चाहिए, तब विश्वास होने लगेगा। उससे चिंता हट जाती है और बाद में तड़फन भी अपने आप मिट जाती है। मन हमें विषय की सौगात देता है तो हम उसे नाम की सौगात दें। हम अपने अंतकरण में नाम की अग्नि प्रज्वलित करें। उससे अंतकरण उलझने पर दोष ऊपर आएंगे, उन्हें हटाने पर अंतकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतकरण से नाम लेने पर भगवान की कृपा का अनुभव होगा। नाम से ही अंतकरण शुद्ध होता है, नाम से ही मन अंतकरण में प्रवेश कर स्थिर होता है। आज का बोध वचन, संत जो कहेंगे वही करना उसकी सेवा है। श्री राम, जय राम, जय जय राम।